हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि। दिन भर ये सब जो घर में पानी लगा हुआ है, ये कैसा पानी है? कैसा पानी है? कहाँ का पानी है? ये जो पानी जो है, ये बाया नदी और जो वर्षा का पानी से पूरा मंगराही पंचायत दह गया है। रोड, रास्ता, आम आदमी को काफ़ी दिक्कत हो रहा है रहने के लिए। जो मजदूर क्लास का आदमी है, जो आज से 3 महीना पहले से ही पानी चारों तरफ भरा हुआ है, हर लोग भूखमरी की स्थिति पर है। और लालू यादव का जब सरकार था तो हर आदमी को एक एक कुंटल मुआवजा 1,000 रुपया मिलता था, लेकिन ये जो सरकार है, तमाम गरीब आदमी को कुछ चीज भी नहीं मिल रहा है। आम आदमी त्रस्त है, सांप काटने से आदमी मर रहा है, भूखमरी है चारों तरफ। गरीब आदमी आत्मदाह करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रहा है। DM के यहाँ हमारे माननीय विधायक जी लिखित दिए हैं, जो पूरे मंगराही पंचायत महुआ प्रखंड में हर गरीब को कुछ न कुछ मुआवजा मिले, लेकिन सरकार कह रहा है, हाथ खींच रहा है। एक तो पेट्रोल डीजल से ही लोग तरहीमाम है, महंगाई से तरहीमाम है, लेकिन चारों तरफ लोग एकदम माने गरीबी और भूखमरी से मरने के कगार पर है। और सरकार अनसुनी कर रहा है, लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, न खाना बनाने के लिए, न पशु को खाने के लिए चारा है। तमाम असुविधा हो रहा है, DM नहीं सुन रहा है, न सरकार सुन रहा है। हम मांग करते हैं कि सर्वदलीय बैठक करके और ये जो समस्या है 16 जिला में कम से कम राहत पहुंचाया जाए गरीब को, नहीं तो भूखमरी के कगार पर कितने लोग बीमार भी पड़ जाएंगे। क्योंकि दवा का यहाँ पर जो पानी लगने से पानी भी सड़ने का स्थिति हो गया है। ये सब तमाम व्यवस्था है, और सबसे ज़्यादा तो पानी आपको मधौल से लेके मंगराही और सुपौल टरिया होके पूरा एकदम उधर जो पातेपुर के तरफ जो है झील है, वहाँ पर पानी जाता है। लेकिन पानी मैंने इससे पहले भी विधायक जी उठाए, जो यहाँ पर बाया नदी को बंधवाया जाए, लेकिन CO, BDO और अनुमंडल पदाधिकारी ने नहीं सुना और नहीं बनवाया, जिसके कारण आज एकदम चारों तरफ पानी से जलमग्न हो गया है। आम आदमी परेशान है सरकार से, और सरकार सुन नहीं रहा है। इसके चलते तमाम महुआ में रोड जाम हो रहा है, डेली रोड जाम हो रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई सुविधा या कोई आश्वासन? न प्रशासन द्वारा, जो गरीब लोग हैं, जिसको चारों तरफ से रास्ता भी नहीं है, पगडंडी रास्ता जाने के लिए, न उसको पन्नी दिया गया है, न राशन दिया गया, कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। कितना घर है अंदर में? अंदर में चालू होने का हम ये नहीं रखा ही चल। कितना घर होगा अंदर में? बोलिए ना, 30-35 घर होगा। पानी वाला एन भैया कहां से? यहां से लीजिए। आई ये कुछ पूछता हूं, सब बताया हूं। समस्या का हल पूछिए। हम क्या दिक्कत है आप लोग को बोलिए। ये जो देख रहे हैं घर में पानी ढुका हुआ है, खाने का जो भोजन पर आफत है, बाल बच्चा के लिए हम अपना उपवास पर आफत है। और क्या है कि बाल बच्चा हमारा उपवास पड़ा हुआ है, देखने वाला कोई है ही नहीं है। क्या करो जी, है ही नहीं, क्या कर सकते हैं? काम राम बने, कमाते हैं तो खाते हैं, ना तो भूखा मरते हैं। अगर चूल्हा चक्का बंद है लोग तो ठीक है, ना क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग गरीब आदमी है, जो बिजनेस करते हैं सब खाते हैं, नहीं तो पास बढ़ते हैं। अब पानी तानी आ गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, किधर जाएंगे रोजी करने? हम बाल बच्चा हमारा पास पर रहा है, खाने के लिए उपास पर रहे हम। हम लोग क्या बताइए, तो बोलिए ना, यही से वहाँ जाना कोई जरूरी नहीं, यही से बोलिए ना आपका, बोलिए ना बोला जाए। क्या दिक्कत है बोलिए? चार आदमी के सर घर में घर है, बोलिए ना, यही से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? पानी में हम सब खाने पीने के कोई उपाय ना है, पानी मुखिया जी नहीं आए? नहीं, मुखिया जी आए हैं।
कोई दरकार नहीं, मुखिया जी नहीं आ रहा है, मुखिया जी कुछ भी नहीं होता है।